गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बहराइच जिले से गोंडा आ रही बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार एक दर्जन हुए घायल। मौके पर पहुंचे एआरएम और कई थानों की पुलिस ने घायलों को पहुंचाया जिला अस्पताल। 36 लोग बस में थे सवार। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दूसरी बस की व्यवस्था कर यात्रियों को पहुंचाया उनके मुकाम। वहीं एआरएम वीरेंद्र कुमार ने बताया कि स्टीयरिंग कंट्रोल न होने पाने के कारण डिम्फर होने के चलते पलटी बस। गोंडा डिपो से अनुबंधित थी बस। थान देहात कोतवाली क्षेत्र के गोंडा बहराइच हाईवे पर खिरोरा मोहन के पास की ये पूरी घटना। गोंडा डिपो की अनुबंधित बस है जो बहराइच से गोंडा आ रही थी, ये खिरोरा मोहन के पास में बाएं साइड पलट गई है। इसमें स्टेयरिंग कंट्रोल नहीं हो पाया, स्टेयरिंग पर डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से पलट गई। इसमें 7 लोगों को चोटें आई हैं, 4 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं और 3 लोग को फर्स्ट एड होकर के घर भेज दिया। चालक क्या है? चालक परिचालक ठीक है। 20 फरवरी 2020 को समय लगभग 11 बजे गोंडा डिपो से अनुबंधित बस जिसका नंबर है UP 43T 7491 जो बहराइच से चलकर गोंडा डिपो आ रही थी, वो कोतवाली देहात क्षेत्र में ग्राम खिरौरा मोहन के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और जो बस स्टाफ या रेलवे स्टेशन जाना चाह रहे थे उनको बस स्टाफ और रेलवे स्टेशन भिजवाया गया और जो इस जनपद के निवासी थे उनको उनके घर पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जी सर, इसमें कोई खास कैजुअल्टी तो नहीं हुई सर? नहीं, इसमें कोई खास कैजुअल्टी नहीं हुई है। इसमें लोगों को मामूली चोटें आई हैं जिन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराकर ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। गोंडा से मोहम्मद अहद की रिपोर्ट।